ना दोनों एक लाख दो का ना दोनों कोल्ड कॉफी पी के आऊंगा एक केक। यहाँ तो आ गए लेकिन पैसे कौन दे रहा है तुम दोनों में से? अभी पिज्जा, अच्छा पिज्जा भी आ गया है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 8:30 बजे और आज थोड़ा लेट उठे हैं काफी दिन से, क्योंकि काम खत्म कर लिया था कल गांव में सारा। तो आज सुबह सुबह जल्दी गांव जाना नहीं था, वैसे जाना तो था लेकिन कंटेंट चला गया है तो मैं सो रहा था, किसी ने जगाया भी नहीं। अभी उठे हैं, शाम को मौसी के घर पे जाना है तो दाढ़ी कटिंग करवा के आएंगे। नाई को फोन किया है, नाई ने बोला है कि वो मेरा दोस्त ही है, उसने बोला है कि अभी आधी घंटा लगेगा, आधी घंटे तक क्या करेंगे घर वालों से खब्बी। और खब्बी की शुरुआत होती है हमारे छोटे भाई बाबू से, ये हमारे धूप में पानी दे रहा है और इधर धर्मपत्नी जी धो रहे हैं कपड़े। तो अब जल्दी से कटिंग करवा के आते हैं, धूप बहुत तेज हो गई है। फिर नाना भी है, एक बार बाजार में जाना है, शाम को मौसी के पास जाना है और मेरे हाथ में है चोट। तो बाइक चलाएगा बाबू, स्कूटी लेके कॉन्टेंट गाँव गया हुआ है। और मेरे भाई रोटी डाल के सब्जी छूक दी है, इसको इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे को तो मम्मी ने बनाया, मेरे को तो खाना है। ओके, भूख शांत नहीं हुई है तो अभी कुछ और देखते हैं फ्रिज में। ओह माय गॉड, 3 दिन पहले खरबूजा लाया गया था, हाथ में हो रहा है दर्द, इस वाले हाथ से उठाते हैं। धर्म पत्नी जी पिछले 3 दिन से मुझे कह रही हैं कि मुझे बर्गर खाना है, बर्गर खाना है, तो अभी उनका थोड़ा मजा लेते हैं। आपको बर्गर खाना है? नहीं खाना है, नहीं जाना है, मम्मी से पूछ कर चले जाएंगे, नहीं जाना है। आ, मम्मी से ऊपर क्यों किया, मम्मी ना नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आप तो ऐसे ही करते रहोगे, आपका क्या है? मीठा है गाइस काफी, भाई खाए जब मूड में। तो 10:30 हो गया है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है, अभी देखते हैं अपना व्लॉग। व्लॉग देख लिया है और आज हम जा रहे थे बाबू के घर पे जाने के मौसी मिलने, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। बाबू आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बुरा लग रहा है भाई, बुरा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, बाबू कल जा रहा है हमें छोड़ के, क्योंकि इसकी 12th क्लास है। इस साल ये पूरा पढ़ाई करेगा, फिर ये वापिस आ जाएगा, अगले साल से मेरे पास ही रहेगा ना, फिर हम दोनों मिल के क्या बनाएंगे, व्लॉग। और हमारी धर्म पत्नी जी भी काफी नाराज है, एक तो इनको हम बर्गर नहीं खिला के ला रहे हैं 4 दिन से, और दूसरा हम मौसी के पास जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया, तो इनके मूड की 12 बजे हुई है, थोड़ी नींद आ रही है। लेकिन बाजार जाना है, कुछ काम है और बाजार से बहुत सारा सामान लेके आना है, कुछ लाना है। मम्मी बोल रही कहाँ जा रहे थे? ओ हाँ सॉरी, मैं भी भूल जाता हूँ, वो हम मौसी के जा रहे थे तभी लाना था, बाजार भी नहीं जाना है। और हाँ, हम नहीं जा पा रहे हैं मौसी के, लेकिन पापा आ रहे हैं बहुत सारे रसगुल्ले लेके हमारे लिए, तो ये बहुत ज्यादा खुश है, कुछ ज्यादा ही। टूट गो सही में, दिखा भारी नुकसान और हाँ नहीं मिलेगा भाई, क्या करें, बैठे बैठे खब्बी करें किसी के। ओहो खब्बी का नाम लिया और ये आ गई, हम जा रहे हैं खाना बनाने, खाना बनाने। ओके एकला ना, कोनी एकला कौन दो का ना, दोनों कोल्ड कॉफी पी के आऊंगा एक केक। देखोगा तो दूध पियूंगा, मोहितो भी पियूंगा, मोजितो मोहितियो मोहितो भी पी जाऊंगा, सचिन ब्लू मोजितो। ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं खाना खा लेती हूं देर में। ठीक है मैं रेस्ट खाऊंगा। ऊपर पंखा चलता है, नीचे स्वीटी सोती है। तो मैं और बाबू खाएंगे अब खाना, वो तो गए हैं बाजार दोनों। खाने में है भिंडी की सब्जी, रोटी, प्याज और दही। तो है गाइस, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी भाभी, अभी हम पापा से मिलने जा रहे हैं। क्या आप एक्साइटेड हो पापा से मिलने के लिए? गाइस हम तो अंदर आए थे पर पापा तो बाहर चले गए हैं, हमें वापस बाहर जाना पड़ेगा। कितना बजे? हम आ गए घर पे, पापा लाए हैं बैग भर के सामान रोजी वाली कैंटीन से, इसमें है ठंडे ठंडे रसगुल्ले और इसमें है दही। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान। जल्दी चलो, गैंग वापस आ चुकी है सामान लेके। बैग पकड़ के दिखा भाई, वजन हो मेरे तो हाथ। ये कैंटीन से लाया हुआ सामान खुल रहा है, ये साबुन है भाई, बहुत सारी फ्रूटी, ये क्या है, पाइप होती है, पाइप बोलते हो क्या इसको,
स्वीटी को इंतजार है, इसको भी कुछ दो भाई। ये आपके लिए दिया आपके घर वालों ने। मुंह हाँ, मेरे हाथ में दर्द भी है, चेक करो इस साइड। हाँ बस बस नहीं, ये बस लंबी बस जोड़ के हम ना हमारी दूध में लगा देंगे। अब क्या सबसे मेन चीज, ये सब फालतू चीजें हैं, इन्हें अवॉइड करो। घी दूध पे ध्यान दो मेरे भाई। तगड़े होने जूस पियो मेरे भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो भाई। इससे दूध पियो मेरे भाई, इतने सारे व्हील और छाछ पियो मेरे भाई, और दूध पियो मेरे भाई, और बिल खाओ मेरे भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो। शाम के 6:30 हो गए हैं, तो फिर मैं वीडियो एडिट करता करता सो गया था। हाथ की हालत थोड़ी ठीक है, हमारी लगाई हुई धूप भी कहीं गई हरी है, कहीं गई सूख गई है। जो बड़ी है वो पहले सूखेगी, उसके बाद में वापस हरी हो जाएगी, क्योंकि जब तक जड़ें पकड़ लेंगी वापस हो जाएंगी। स्वीटी ने सुबह वहाँ खट्टा किया, अब वहाँ मतलब पानी तो सुबह भी डाला था लेकिन अभी थोड़ा सूख गया, तो अब यहाँ आराम से मस्त लेटी हुई है। इसको क्या पता ये जहाँ सो रही है वहाँ किसी की मेहनत दफन है। तो हमारी बड़ी मम्मी बना रही है कॉफी हमारे लिए। पानी आ जा। अरे वाह, इतनी जल्दी सुन ली पुकार, और वो देखो पानी देखते गायब। पानी डालने का करते हुए बाबू को दे दिया है, क्योंकि धर्म पत्नी जी ले आए हैं कॉफी। थैंक यू। तो लास्ट में हमारी स्वीटी जी कर रही है नहाई नहाई, बच्चा पार्टी देख रही है। लो भाभी को दिला दिया, अब बोलो भैया को छोड़ दो। मेरी तो एक बच्चे से शादी हो गई गाइस, अभी तक इसका बचपना नहीं गया है, इतनी देर से बच्चों से बातें कर रही है। तो धर्मपत्नी जी को खाने थे बर्गर 3-4 दिन से, तो चलो धर्मपत्नी जी को क्या सभी खा लेते हैं चल के। हमने सोचा बर्गर ही खाना है, चलो साथ में कुछ और खा लेते हैं, कहीं अच्छी जगह चलते हैं। ये है हमारी पूरी पलटन, और अब कुछ ना कुछ भयंकर ऑर्डर किया जाएगा। यहाँ तो आ गए लेकिन पैसे कौन दे रहा है तुम दोनों में से? बाबू तू बता की गन से लेना चाहिए। मैं तो मोर्ची का लड़का हूँ। योगी तेरे का नहीं कर रहे, चल वोट कर लो, वोट कर लो। बाबू तू बता की गन लेना चाहिए, एक इसके पास, और तू बता। अरे बस बहुमत थोड़े ही आ गो, मैं भी कर दिया ले बहुमत, इतना वोट तो मोदी जी ने भी गुन मिला। रोस्ट कर दिया मोदी जी को, रोस्ट कर दिया। मोदी जी को रोस्ट कर दिया मैंने गाइज, मैं एक रोस्टर भी हूँ, आप जल्दी कमेंट करके बताओ रोस्ट का भी एक चैनल खोलूँ क्या। तो गाइज बर्गर खाने आते हैं, तब भी शो ऑफ दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि इनके पास इतना सोना है, इनके पास एक गरीब बेटा है, एक गरीब को नाम लेते हैं, देख निकाल ला वो पूरा बर्गर हमारी प्यारी बहन गई हुई है नानी के पास, तो अब उसको चिढ़ाने की बारी है, अब उसको वीडियो कॉल किया जाएगा। धर्मपत्नी जी उसको वीडियो कॉल करो, ग्यारसी देख ले तू चली गई, अब हम यहाँ मजे करते हैं। ये हमारी 2 कोल्ड कॉफी, ये ब्लू मोजिटो और बर्गर, अभी पिज्जा, अच्छा पिज्जा भी आ गया है। ये नहीं सुधरेगा। कुछ लोगों को आप चांद पे बैठा दो, देखेंगे धरती पे ही। हमारी बहन को चिढ़ाने का काम चालू हो गया है। अरे ऐसे नहीं करते। और चल जा नानी कर। चलो भाई वो तो रोने लग गई, हम तो ठंडा कर रहे हैं हमारा खाना। ये देखो बुक्कड़ लोग कैसे खा रहे हैं, कैसा लगा बाबू? बढ़िया। बुक्कड़ों की गैंग अब शुरू हो गई है बर्गर के ऊपर। भाई कैसा लगा ब्लू मोजी? तो इतना भी जेन्युइन नहीं बोलना था मेरे भाई। यहाँ कंटेंट ब्लू मोजी तो पीकर अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे कौन बताए इसकी शक्ल गरीबों वाली है। भूख का एक अलग ही तांडव चल रहा है, किसी का नहीं छोड़ता ये इंसान। इस साइड में चल रहा है फोटोशूट, आप लोग एंजॉय करो सिनेमैटिक वीडियो।
तो लंबा चलेगा, मैं जा रहा हूँ भाई। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं तो पक्का जा रहा हूँ और मैं सच में उनको छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे भाई बाबू की गहन इच्छा है कि आज लिफ्ट में जाएंगे, तो लिफ्ट में चलेंगे। भाभी अकेली चली गई है नीचे। क्या लिफ्ट आ रही है ऊपर? नहीं यार, ये लिफ्ट आ जाओ। हमारी हो गई बेइज्जती। ब्लॉगर भैया हमें पहले ही छोड़ के बाहर चले गए हैं, तो अभी हम आ रहे हैं धीरे। और ये लिफ्ट खोल दिया गाइस, ऊपर से नहीं खुली, यहाँ से खुली है। आखिरकार तुम लोग आ ही गए हो। धीरे धीरे हमारे कंटेंट भैया भी ब्लॉगर बन रहे हैं। हम आ चुके हैं वापस घर। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, फिर जल्दी से सोना भी है, तभी तो फिर कल एक नया वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कौन सा पार्ट पसंद आया जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन दिनों में व्यूज कम हो गए हैं तो प्लीज सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।